हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कूलाम का नियम। उस कूलाम के नियम में आपके एक चीज आई थी, परावर्तन। मैंने कहा था इसको भी अगली वीडियो में बताऊंगा, आज हम इसके बारे में बात करें। परावर्तन बताने से पहले मैं आपको बता दूं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस, डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे एक प्रकार के अचालक पदार्थ की तरह ही होते हैं, मगर ये आपने पदार्थ दो प्रकार पढ़े, चालक और चालक। एक और होते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था आवेशन की विधियां, मैं आपने पढ़ा था तीन प्रकार से आपके आवेश किए जाते हैं, कौन कौन से। नंबर एक चालन द्वारा, नंबर दो आपका घर्षण द्वारा, और नंबर तीन थे आपके क्या, प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा आपका जो होता है वो आपका प्रेरण द्वारा जो होता है वो आपकी विधि होती है, वो आवेशन में वो आपको परावर्तित पदार्थ होती है। तो एक तरफ से दूसरी तरफ पदार्थ, एक प्रेरण द्वारा दूसरे एक सतह से दूसरी सतह पे आपका क्या करना, पदार्थ चार्ज को आवेश को पहुंचाना, ठीक। तो परावर्तित पदार्थ नॉर्मली हम बात करते हैं तो ऐसे होते हैं जिनको रगड़ने पर थोड़ी देर हम घर्षण करें, उनको पैदा तो घर्षण करने के बाद अगर छोड़ दें तो हम नॉर्मली उसको अगर दें छोटे कागज या छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो उनको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो मोम जैसे कांच, जैसे आपका अदरक, रबर, कागज, ये सब क्या है, हमारी परावर्तित पदार्थ है। अब परावर्तित पदार्थ समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम बात करते हैं परावर्तितांग। जो मैंने पहली वीडियो में बात की थी हमारे परावर्तितांग क्या होता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम हम इसको आपेक्षिक बलशीलता भी कह सकते हैं, और नाम और भी होता है जो लामान के परावैद्युतांग की बात करते हैं। परावैद्युतांग बात क्या होते हैं, तो परावैद्युतांग यहां से परिभाषा बनाएंगे, ये सूत्र है। परावैद्युतांग बराबर के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर रिलेटिव, आर मतलब रिलेटिव, और एप्सिलॉन तो जानते हैं वैद्युशीलता होती है, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो यहां से परिभाषा बनाएंगे, क्या किसी माध्यम का परावैद्युतांग उस माध्यम की निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब किसी की सापेक्ष नहीं, उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांग कहते हैं, ठीक। यहां से परावैद्युतांग ये क्या है, उस जिस माध्यम का परावैद्युतांग हम देख रहे हैं उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, और ये क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का मान मैंने पिछली वीडियो बताया था 8.85 × 10−12 होती है, ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है, ठीक। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमारा ये क्या है, आखिरकार वैद्युतशीलता क्या होती है। तो वैद्युतशीलता ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है एप्सिलॉन, ठीक है, उसको उससे डिनोट किया जाता है वैद्युतशीलता को। वैद्युतशीलता नॉर्मली हमारा किसी भी परावैद्युत पदार्थ की ये क्षमता होती है कि उसके अंदर पोलराइजेशन की क्षमता कितनी है, यानी कि आवेश के ध्रुवणीकरण का कितनी क्षमता है, वो आपको बताती है वैद्युतशीलता। जिसकी वैद्युतशीलता हमारी ज्यादा होगी उसके पोलराइजेशन क्षमता ज्यादा होगी, कह सकते हो कि हमारे जिसकी वैद्युतशीलता ज्यादा उसकी कैपेसिटी अधिक। कैपेसिटी वाला धारिता वाला चैप्टर आप अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब चैप्टर ये पूरा उसको समझाएंगे तब समझ आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, आप देखा जाए तो जिसकी वैद्युतशीलता क्या, वैद्युतशीलता हमारा क्या, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता वो होती है, वो क्षमता होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आवेश की पोलराइजेशन क्षमता पता लगती है। कौन सी पता लगती है, आवेश की पोलराइजेशन क्षमता जिसके द्वारा हम नापी जा सकती है, ठीक। तो इसकी इस सूत्र से तो प्रभात हमको पता लगी, इस सूत्र से बात करते हैं। एफ नॉट, नॉट का मतलब समझ लो जहां पे नॉट लग जाए तो वायु निर्वात की बात आ जाती है। एम मतलब मैंने मीडियम को नोट किया, ठीक है, एफ एम मतलब मीडियम को नोट, माध्यम को नोट किया, ठीक है। तो एफ नॉट क्या है, अभी मैंने कूलाम के नियम पीछे पढ़ा, दो आवेशों के बीच हमारा क्या करता था, दबा लगता, तो हमने वही लिया। किसी निश्चित दूरी पर स्थित, किसी निश्चित दूरी कोई निश्चित ले, किसी निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों, दो किसी निश्चित दूरी पर स्थित वायु में, वायु में क्योंकि नॉट लगा, किसी निश्चित दूरी पर स्थित वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उसी दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम पर लग, किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांग या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। देखो आप लोगों को मैं पता ही तो परिभाषा आपकी हो गई, अब आप देख सकते हैं क्या परावैद्युतांग का जो मान होता है, परावैद्युतांग का जो मान होता है कितना, ये मैंने कुछ नोट करके दिखाया। परावैद्युतांग का मान निर्वात या वायु के लिए कितना होता है, 1, निर्वात या वायु के लिए 1 रहता है, और धातुओं के लिए उसका मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है, और शेष जितने भी पदार्थ होते हैं उनके लिए क्या होता है, 1 से मान अधिक होता है। यानी कि आप साफ साफ कह सकते हैं कि के का मान सदैव 1 के इक्वल या उसके ग्रेटर देन होता है, या उससे अधिक हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक, ये आपका फिक्स है, ठीक। के का मान जल के लिए होता है वो इतना होता है, कितना, 81। कभी कभी क्वेश्चन ये आपको दे देता है
किसी पदार्थ किसी माध्यम की प्रदूषणता ज्ञात कीजिए, ये निकालने के लिए दे सकता है माध्यम की प्रदूषणता ज्ञात कीजिए, इससे माध्यम का प्रभावितांक इतना है, तो ये दे देगा और ये आपको क्या होगा, ये आपको पता ही है नॉर्मली, ये निकालने के लिए कह सकता है। कभी कभार ये होता है ये दोनों चीजें दे देता है, ये निकालने के लिए कह सकता है। कभी कभार क्या होता है आपके मीडियम में माध्यम लगने वाले बल का मान पूछ लेता है और इससे इस सूत्र से ऐसे भी इंद्रधनुष पूछ सकता है। मतलब इस सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर देखा गया दो नंबर का क्वेश्चन आपका एक नंबर का, कभी कभार बोर्ड में काफी अच्छा आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।